भक्तजनों, जब रणभूमि में लखन मूर्छित हो जाते हैं तब वैद्य को बुलाया जाता है। वैद्य जी ने कहा कि संजीवन बगैर इनकी मूर्छा नहीं टूटेगी। तब भगवान श्री राम हनुमान को संजीवन बूटी लाने की आज्ञा देते हैं। आगे क्या होता है, किस प्रकार से बनते हैं, इस भजन के माध्यम से आपके मध्य में रख रहा हूं। सुनिए कैसे। मांगी वैद्य जी ने बूटी इसकी कोना मूर्छा टूटी। मांगी वैद्य जी ने बूटी इसकी कोना मूर्छा टूटी। मांगी वैद्य जी ने बूटी इसकी कोना मूर्छा टूटी। लखन का ना सोती मैं गात संजीवन हो संजीवन हो संजीवन लाए रातों रात संजीवन लाए रातों रात। मांगी वैद्य जी ने बूटी इसकी कोना मूर्छा टूटी। मांगी वैद्य जी ने बूटी इसकी कोना मूर्छा टूटी। लखन का ना सोती मैं गात संजीवन 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 लाए रातों रात संजीवन लाए रातों रात। श्री राम की आज्ञा पाके उड़ के मन में पहुंचे पूरा जोर लगा के जल्दी बुट्टी देनी जाके पहुंचे पूरा जोर लगा के। ना उसने होने दिया परिभाव संजीवन ये हो संजीवन ये हो संजीवन लाए रातों रात संजीवन लाए रातों रात। मांगी वैद्य जी ने बुट्टी इस फिर कोना मुझा टूटी। मांगी वैद्य जी ने बुट्टी इस फिर कोना मुझा टूटी। लखन का भाई इसी
वैद जी ने बुटी इस बिल को ना मुझा टूटी। मांगी वैद जी ने बुटी इस बिल को ना मुझा टूटी। लखन का ना सोची मैं गात जीवन जय हो जीवन जय हो जीवन प्यारे राम।